राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। इस विजयी राष्ट्र भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावगण, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच का अधिकारी हूँ एवं मेरा संवर्ग बिहार है। मैं मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले का निवासी हूँ एवं वर्तमान में मेरा परिवार स्थायी रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का निवासी है। रायरंगपुर से रायसीना तक का सफर तय करने वाली हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने प्रशिक्षण के अनुभव को साझा करने का अवसर मिलना मेरे लिए वास्तव में अत्यंत गौरवशाली क्षण है। माननीय महोदया, एक नवचयनित सिविल सेवक से कर्मयोगी बनने की हमारी यात्रा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 95वें फाउंडेशन कोर्स से हुई, जिसमें विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आरंभ फाउंडेशन कोर्स के अवसर पर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने हमें नागरिकों की सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य मानने की प्रेरणा दी। महोदया, फाउंडेशन कोर्स के पश्चात प्रशिक्षण के प्रथम फेज में हमें प्रशासनिक सेवा से संबंधित विषयों जैसे भू राजस्व, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान प्रदान किया गया। लोक प्रशासन एवं सुशासन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा अनुभव साझा किए गए। प्रथम फेज के अकादमिक प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद हम सभी को एक वर्ष का जिला प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित काडर्स में भेजा गया। मेरा जिला प्रशिक्षण बिहार की राजधानी पटना जिला में बतौर सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी पटना के रूप में हुआ। हमारा जिला प्रशिक्षण अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रारंभ हुआ, जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। यह हमारे लिए एक भीषण आपदा में अवसर की तरह साबित हुआ। हम सभी को कोविड की रोकथाम एवं टीकाकरण से संबंधित विभिन्न दायित्व प्रदान किए गए। माननीय महोदया, तदुपरांत मुझे जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभिन्न स्वतंत्र प्रभार प्रदान किए गए, जिसमें मुझे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी के पद पर रहते हुए पंचायत चुनाव कराने का अति विशिष्ट अनुभव प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अंचलाधिकारी, कार्यपालक अधिकारी नगर निगम एवं अपर अनुमंडल दंडाधिकारी का स्वतंत्र प्रभार प्राप्त हुआ, जिससे मैंने सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी समाज कल्याण की योजनाओं, विधि व्यवस्था संधारण, उत्सव प्रबंधन, राजस्व एवं भूमि प्रबंधन से संबंधित कानून, लोगों की आम समस्याओं एवं प्रशासनिक चुनौतियों के बारे में जाना। महोदया, इसी मध्य हमें भारत दर्शन करने का अवसर मिला, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। जिला प्रशिक्षण समाप्त करने के उपरांत हमने अकादमी में द्वितीय फेज का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें हमने अपने जिला प्रशिक्षण के अनुभवों को एक दूसरे से व्यक्त किया एवं उनसे सीखने का प्रयत्न किया। महोदया, इसके उपरांत 3 माह के लिए हमें बतौर सहायक सचिव विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त किया गया है, जिससे हमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों की कार्यप्रणाली सीखने एवं उसे अंतर्निहित करने का अवसर मिला है। अंत में हमारे इस 2 साल के अनुभव से मिली प्रेरणा को मैं इन पंक्तियों द्वारा व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद।